हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार आपको यहाँ पे वीडियोस दी जाती हैं और लगातार आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। बट आप लोगों से एक गुजारिश मेरी भी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल पे लगभग 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या अपडेट देता हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो कल के वीडियो में हमने देखा था एग्जाम कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे, जो भी क्वेरीज थी, उनको सॉल्यूशन को रखते हुए दोस्तों मैंने वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट की थी। और साथ ही कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आज मैं आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल में ही एक पेपर संपन्न करवाया गया था, असिस्टेंट इंजीनियर का हिंदी का। इसका जीएस के पेपर का सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूं, आप लोग जरूर उसको देखना क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्जाम में, खासकर जिन लोगों का बंदी रक्षक का पेपर है 15 अक्टूबर वाला। ठीक है, तो 15 अक्टूबर का जो बंदी रक्षक का पेपर है वो UK SSSC ग्रुप सी के पैटर्न पे ही होना है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आनी है, 40 नंबर का उत्तराखंड GK आना है और 40 नंबर की GS, रीजनिंग और करंट अफेयर पूछे जाने हैं। तो यहां पर देखिए, जो आज हिंदी के क्वेश्चन हम देखेंगे AE वाले पेपर में, UKPCS असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें 100 नंबर का हिंदी का पेपर भी हुआ तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये पेपर दोस्तों बहुत हेल्पफुल रहेगा आगामी बंदी रक्षक एग्जाम के लिए भी, और जो भी ग्रुप सी एग्जाम UKPCS कंडक्ट करवाएगा। देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, आप लोगों को ये डिफरेंस समझना होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, UKPCS और UK SSSC के पैटर्न में थोड़ा बहुत अंतर है भैया। ठीक है, UK SSSC की हिंदी आपने देख ली, लास्ट जो एग्जाम हुआ था वीडियो वीपीडियो वाला, और सचिवालय गार्ड का एग्जाम कराया था इन्होंने, तो जनरल पेपर में आपने देखा होगा इन लोगों ने क्या किया था। UK SSSC वालों ने, इन्होंने हिंदी के सेक्शन में कुमाऊनी लोकोक्तियां पूछी और हिंदी के क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे। उत्तराखंड वाले पोर्शन में इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, ठीक है, और ऐसे सामान्य अध्ययन में भी दोस्तों बहुत से स्टेटमेंट दी थी और आपको ऑप्शन उसके बाद पिक करने थे, जिसमें काफी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की स्थिति पैदा हुई और बच्चों को थोड़ा यहाँ पर देखिए अनएक्सपेक्टेड भी था क्योंकि उस हिसाब से प्रिपेयर होके नहीं गए थे। बट UKPCS अभी भी आप देख रहे होंगे, लास्ट जितने भी एग्जाम कराए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ग्रुप सी के, उसका पैटर्न भाई वही रहने वाला है जैसा पहले पुराने पेपरों में रहा था। UK SSSC ने यहाँ पे चेंज किया बट UKPCS वही रहेगा जैसा पटवारी का पेपर था, जैसा कनिष्ठ सहायक का पेपर आया था, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कराया था या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का कराया था, तो ऐसा ही पेपर आपका रहने वाला है कारागार विभाग में, जेल बंदी रक्षक का। ठीक है, इसलिए जो भी ये सॉल्व पेपर मैं आपको देता हूँ ये महत्वपूर्ण है, इससे आपको समझ में आता है कि आगे जो आपका जो दिशा निर्देश होगा या आगे आपको किस डायरेक्शन में और कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चनों को लेकर आपने अपनी प्रिपरेशन और रिविजन को कंटिन्यू रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर इसके अलावा अगर आप फालतू चीजें पढ़ेंगे तो आपका ही टाइम खराब होगा और एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं, काफी लोग आ गए हैं और आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सेशंस को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो देखेंगे आज असिस्टेंट इंजीनियर का हिंदी का जो पेपर हुआ था इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, निम्नांकित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है दोस्तों संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तो संयुक्त व्यंजन देखिए हिंदी में चार होते हैं और दिए गए विकल्पों में ज्यों जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ज्यों जो कि होता है ज और यों, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था देखिए, इनमें से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? वर्तनी विश्लेषण का मतलब होता है जो भी शब्द हमको दिया है जब हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है, मूल शब्द मूल अक्षरों में, तो ये कहलाता है वर्तनी विश्लेषण। तो यहां पर अगर हम देखें दोस्तों, देखिए उद्भव भी सही है, पंकज भी सही है, कृतघ्न भी सही है, ईर्ष्या जो है इसमें ये गलत दिया गया है। ठीक है, ईर्ष्या का जो वर्तनी विश्लेषण है वो बिल्कुल गलत है, ई इसमें सही है दोस्तों, रॉ इसमें देखिए दोस्तों आपका आधा रॉ होना चाहिए था, ठीक है, उसके बाद स आधा है, य आधा है, यो के बाद फिर रॉ होना चाहिए था क्योंकि ऊपर रॉ की मात्रा लगी है ईर्ष्या में, तो यो के बाद फिर आपका आधा रॉ होना चाहिए था, फिर आ होना चाहिए था, तो यहाँ पे गलती कर दी है, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए बार बार हम पढ़ चुके हैं हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो होती है 11। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अगला क्वेश्चन है देखिए, स वर्ण मुख उच्चारण के स जो वर्ण हम बोलते हैं ये किस प्रकार का वर्ण है मुख उच्चारण के आधार पे? ठीक है, तो देखिए तीन प्रकार के स होते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों, तीन प्रकार के स होते हैं, तीनों ही स जो होते हैं ऊष्म संघर्षी में कहलाते हैं, या बोल सकते हैं कि इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो जो स यहाँ पर हमको दिया गया है ये आपका मूर्धन्य स होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है,
मूलधन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को पता नहीं है सेशन का, उन लोगों को बता दूं, ये पेपर था उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर में दोस्तों आपके तीन पेपर जनरल पेपर होते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी का आता है 100 क्वेश्चनों का पेपर, और 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है आपका जीएस का, और 100 का होता है इंग्लिश का। उसके अलावा दो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर में, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर मेरिट बनती है इसमें। तो हिंदी जो होते हैं वो सेम लेवल आपके ग्रुप सी एग्जाम है, जहां पे भी हिंदी पूछी जाती है व्याकरण लिए, वैसे ही बने कुछ सेशन को छोड़ के, जैसे कि टॉपिक है, जैसे समास वाला टॉपिक है और छंद वाला टॉपिक, वो आपका ग्रुप सी एग्जाम में नहीं होता है, तो उनको आपने नहीं देखना है, बाकी क्वेश्चन जो है बहुत काम के। अगला क्वेश्चन था इसमें, देखिए पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, वाक्य में पंत शब्द किस प्रकार का संज्ञा भेद का उदाहरण है। देखिए जो पंत जी हैं, पंत जी से हमको डिफाइन हो रहा है किसकी बात की जा रही है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत जी की यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है। अब जब एक व्यक्ति को इंगित करके बात की जाती है किसी भी वाक्य में, तो वहां पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। पंत जी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है, देखिए ओ हो गया आपका, ए हो गया, अ हो गया, स्वर है। य जो है ये व्यंजन है, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन है, ये पंचमा अक्षर, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन देखिए ध्यान से देखते हैं, तो केवल छ और त्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है, बाकी सभी आपके क्या है दोस्तों, सभी आपके यहाँ पे स्वतंत्र व्यंजन है, ठीक है। बाकी केवल छ और त्र जो है संयुक्त व्यंजन है। छ जो होता है देखिए, इसको हम बनाते हैं किससे, आधे क और स से, और जो हमारा त्र होता है, त्र बनता है किससे, ये बनता है आधा त और र से, ठीक है। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन था, देखिए अब चला जाए वाक्य किस वाच्य में। तो देखिए अब चला जाए, जब भी ऐसे मतलब एक बोध होता है किसी भी चीज का, तो यहाँ पे मैंने हमेशा आपको बताया है ये होता है भाववाच्य का एग्जाम्पल, ठीक है। और जब भी एक वचन में वाक्य होता है खासकर, उसमें आपका भाववाच्य होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन था, देखिए संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होंगे वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, बार बार मैं बता चुका हूं, और इन्हीं का विकृत रूप कहलाता है तद्भव शब्द। देश में उत्पन्न शब्दों को देशज कहा जाता है, और बाहर से जो शब्द आए उनको विदेशज शब्द कहा जाता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था भैया, आने वाले एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि थोड़ा टफ है। तो इनमें अगर हम देखते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अशुद्ध वर्तनियों का युग्म बनाया गया, तो बहिरंग साप ये तो बिल्कुल सही है, निरोग और पैतृक शब्द भी बिल्कुल सही है, आदृत और अहल्या शब्द भी बिल्कुल सही है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या शुद्ध होता है, ठीक है, ये भी शुद्ध है। मिष्ठान और सम्राट वाले में दोस्तों आपका जो मिष्ठान है ये गलत हो गया भैया, मिष्ठान नहीं होता ये, सम्राट तो बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन जो मिष्ठान दिया गया उसको आप देख लीजिए, ये होता है मिष्ठान, ठीक है, इसमें ठ नहीं होता, इसमें ट होता है, ट ट टमाटर, इसमें ठ ठठेरा नहीं होता है, ठीक है, तो मिष्ठान होता है ये, तो ऑप्शन बी इसमें अशुद्ध वर्तनी युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कोई और कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो कोई और कुछ जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है ना, बोलते हैं ना दरवाजे पे कोई आया है, अब कौन आया भैया, मेरे को थोड़ी पता है, तो कोई या कुछ, ठीक है, तो ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो प्रशंसा के योग्य हो वाक्यांश के लिए सटीक शब्द क्या होगा। तो जो प्रशंसा के योग्य हो ये कहलाता है क्या, प्रशंसनीय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यायावर शब्द से क्या तात्पर्य है। तो यायावर किसे कहा जाता है, देखिए यायावर कहा जाता है भैया ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पर टिककर ना रहे, बोलते ना मैं एक यायावर घुमक्कड़ हूं, एक स्थान पे तो रहता है नहीं, मैं आज यहाँ कल वहां, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निराशा शब्द में कौन सी संधि है। तो निराशा में क्या होता है भैया, देखिए निराशा में हो जाता है निहधन आशा, ठीक है, तो निहधन आशा जहां पर भी विसर्ग दिखेगा तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए। व्यर्थ में कौन सा समास है, देखिए समास जो है वो यूके SSSC के सिलेबस में नहीं है, ग्रुप सी में, ठीक है, बट ये JEE का भी पता है, तो JEE में सामान्य हिंदी व्याकरण के सभी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए समास के और छंद के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं व्यर्थ, व्यर्थ में जो हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो सुधन आगत, ठीक है, सुधन आगत, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, उधन आओ, क्या बन रहा है, तो यहाँ पे वो बन रहा है, यंग संधि हो जाएगा, ठीक है, तो स्वागत में हो जाएगी आपकी यंग संधि, ऑप्शन ए माफ कीजिएगा, हाँ यंग संधि होगी, स्वागत में हो जाएगी आपकी यंग संधि, ठीक है।
सुधन आगत स्वागत, ठीक है, तो उ धन और बराबर व हो जा रहे हैं, ठीक है, स्वागत में यंग संधि होगी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फूल पानी में कौन सा समास है? तो देखिए फूल पानी, तो सूल पानी में कौन सा समास है? देखिए सूल पानी, अब समास देखिए अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर समास पढ़ा है तो इसको अच्छे से कर पाएंगे। सूल पानी मतलब सूल, पानी मतलब हाथ, ठीक है, जैसे चक्र पानी का होता है विष्णु को, जिसके हाथ में चक्र है, जिनके हाथ में चक्र है। सूल पानी का मतलब होता है जिनके हाथ में सूल है, सूल का मतलब होता है त्रिशूल। अब बताइए त्रिशूल किसके हाथ में है? तो त्रिशूल तो भैया एक ही पकड़ते हैं, हमारे आराध्य देव, देवों के देव महादेव महाकाल, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब किसी शब्द का तीसरा ही अर्थ निकल जाता है समास विग्रह करने पे, सूल पांगे का मतलब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसके हाथ में सूल या त्रिशूल हो, इसका समास विग्रह हो जाएगा। लेकिन किसके हाथ में होता है सूल या त्रिशूल? भगवान महादेव के, शिव जी के हाथ में होता है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गायक में कौन सी संधि है? देखिए गय धन अक, ठीक है, गय धन अक गायक, इसमें हो जाएगी आपकी अयादि संधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए गायक हो गया, नायक हो गया, पवन हो गया, और जैसे स्वागत हो गया, ये शब्द कई बार पूछे जाते हैं यंग संधि और अयादि संधि से, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी इनमें रहती है और ये क्वेश्चन बार बार भी बनते हैं, आपने नोट किया होगा। तो आपको ये रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको तभी मैं बोलता हूँ कि आपको पुराने पेपर देखने चाहिए, और पुराने पेपर से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, यकीन मानिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और इसका अर्थ बदलते हैं। तो अचल में है भैया, चल के आगे लगेगा अचल, अकथनीय इसमें भी है, अनैतिक में भी है, अनृत जो होता है दोस्तों इसमें अ उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैसे मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन दे दी, ये शब्दांश कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। सफेदा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? देखिए सफेदा, तो सफेद धन आ सफेदा, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका आ प्रत्यय, ऑप्शन ए। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए कई बार ही बन जाता है, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपल के पात की तरह मन डोलता है, ठीक है, तो उपमान उपमेय वाली बात जहां पे होती है तो वहां पे उपमान अलंकार हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, टेलीविजन इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो टेलीविजन जो शब्द आया है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लैटिन भाषा का वर्ड है ये। लड़िकाई का अर्थ क्या होता है? तो बोलते हैं ना बिहारी में और खासकर भोजपुरी में आपने सुना होगा, अरे बड़ा लड़काई है, इसमें बड़ा लड़काई है, चंचल है छोरा, बोलते हैं ना, तो लड़िकाई का मतलब होता है बचपन आया बचपन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो कई बार बनता है रिक्शा शब्द, ठीक है, रिक्शा हो गया, सुनामी हो गया, सायोनारा हो गया, ये सभी जापानी भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापानी भाषा। मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए कोई मेन सिंगर है, उसके साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, तो उसको बोलते हैं आपका वाद्यकार, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाद्य यंत्र बजाने वाला कहलाता है वाद्यकार। संगीत को तैयार करने वाला कहलाता है संगीतकार, एंड गाने को गाने वाला कहलाता है गायक, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वाद्यकार कहेंगे उसको। कृदंत शब्द में कौन सी संधि है? तो कृदंत देखिए कृदंत, ठीक है, तो कृद धन अंत कृदंत, तो इसमें आपका साफ पता चल रहा है भैया व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी कृदंत में। जिन शब्दों से न्यूनता लघुता हीनता या तुच्छता का बोध होता है क्या कहलाते हैं? देखिए जिन लोगों ने भी हमारा सामान्य हिंदी का कोर्स लिया है एप्लीकेशन स्टोर में, सामान्य हिंदी कोर्स दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, आज जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आपको हिंदी बिल्कुल जीरो है, आपकी हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती समझ में, बिल्कुल आप जीरो है हिंदी में और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स लीजिए, आई थिंक 999 का आपको मिल जाएगा, ये 6 महीने की वैलिडिटी होती है, और सामान्य हिंदी के इस कंप्लीट कोर्स में दोस्तों आपको इतने अच्छे तरीके से टॉपिक करवाए गए हैं कि आप आसानी से सरल सहज भाषा में बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदी में बिल्कुल एक हिसाब से कॉम्पिटिशन में बहुत आगे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको कुछ नहीं आता था, आप देखेंगे 3-4 महीने बाद अपनी प्रोग्रेस, तो आप खुद ही आपको बिलीव नहीं होगा। तो यहां पर मैंने आपको हिंदी वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था दोस्तों उनार्थक शब्द क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है भाई उनार्थक शब्द का भी मैंने आपको बताया था, ऐसे शब्द जिनसे न्यूनता लघुता हीनता या तुच्छता होती है प्रतीत होती है वो उनार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय का ये टॉपिक है और उनार्थक शब्द उसी में कंप्लीट करवाया गया था, तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो उनार्थक शब्द बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आएगा ये उनार्थक शब्द क्या होता है।
जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिश्रण से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दो भाषाओं के शब्द से जो शब्द बनते हैं नए उनको कहते हैं हाइब्रिड वर्ड, यानी कि संकर शब्द। ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे कि रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। और ऐसे दोस्तों अन्य एग्जाम्पल भी हैं इसके, और ऐसे शब्दों को कहा जाता है संकर शब्द। तो देखिए शब्दों के भेद हम पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पर भी क्लास आपको मिल जाएगी फ्री शब्द भेद की, आप देख सकते हैं। और जहां तक मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आप ग्रुप सी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड जीके सामान्य हिंदी का जो कंप्लीट कोर्स है हमारा लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर कॉम्बो कोर्स आप लेते हैं तो वो और बेहतरीन है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 1 साल की मिल जाती है आपको। चलिए अगला देखिए अलंकार। अब अलंकार भी बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, बट अलंकार का भी जो टॉपिक मैंने आपको करवाया हिंदी कोर्स में बहुत आसान, और बॉलीवुड सॉन्ग्स के माध्यम से भी समझाया मैंने उसमें, ताकि आप आसानी से पिक कर सकें। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, यानी कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, ये तुलसीदास की पंक्तियां दोस्तों। और इन पंक्तियों में देखिए काम कुसुम धनु सायक लीन है, इन पंक्तियों में बोला जा रहा है कि कामदेव जिन्होंने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया है, तो यहां पर तो जो श्री राम जी हैं, श्री राम जी अपने जो धनुष वाला, जो धनुष तोड़ने वाला प्रक्रम होता है उसमें जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। तो धनुष अवश्य ही राम तोड़ेंगे, ऐसा सीता जी को विश्वास दिलाया जा रहा है। तो यहां पर देखिए कामदेव जी की तुलना की गई है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में किया हुआ है। तो जहां पर देखिए तुलनात्मक बोध होता है वहां पे आपको ध्यान से देखें ऑप्शंस में, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, उपमा अलंकार इसमें होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोहा और रोला छंदों से मिलने वाला छंद क्या कहलाता है? तो देखिए छंद टॉपिक में नहीं है ग्रुप सी के UK SSSC वाले सिलेबस में, जनरल सिलेबस में। तो दोहा और रोला छंदों से मिलकर जो बनता है कुंडलिया छंद कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था देखिए, इनमें से बेमेल शब्द कौन सा है? तो ऐसा शब्द जो अलग है अन्य से, तो राजधर्म, प्रजाधर्म, सेवा धर्म, ये सभी एक प्रकार का बोध कराते हैं जो कि सेवा भाव देते हैं, जैसे कि राजधर्म निभाना, प्रजाधर्म निभाना, सेवा धर्म निभाना, अधर्म जो है जब जस्ट इनका विपरीत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के वांगल लिखे जाते हैं, तो हिंदी के वांगल लिखे जाते हैं देवनागरी लिपि में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है देवनागरी लिपि। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो शुद्ध हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट दिया है, रुपया तो भैया अशुद्ध है इसमें, देखिए ऊ की भी दो प्रकार की मात्रा होती है, आप ध्यान से देखेंगे, एक होता है ऐसा रुपया देखिए, और एक रू होता है ऐसे ही है ये, तो यहाँ पर ये वाला दिया गया जो कि गलत है, ये होना चाहिए था इसमें, तो रुपया तो गलत हो गया इसमें। त्योहार अशुद्ध है, देखिए त्योहार में कभी भी औ की मात्रा नहीं होती, ओ की मात्रा होती है, त्योहार का शुद्ध रूप ये होता है त्योहार। सहस्त्र जो है बिल्कुल शुद्ध है भाई इसमें, तो ऑप्शन बी शुद्ध हो जाएगा इसमें, सही उत्तर है अक्षौहिणी का जो होता है आपका सही, तो अक्षौहिणी में दोस्तों आपका इसमें भी आई थिंक औ की मात्रा होंगी, लिख के बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। ऑप्शन ए का जो शुद्ध रूप होगा वो ऐसे होगा अक्षौ नहीं, ठीक है, औ की मात्रा होगी इसमें, ओ की दी है, तो ये है भैया केवल बी इसमें सही है, सहस्त्र शब्द बिल्कुल शुद्ध है। खुरपी से घास छील दो, इस वाक्य में किस कारक विभक्ति का चिन्ह लगाया? तो खुरपी से घास छील दो, किससे? खुरपी से, खुरपी किस काम आ रही है? साधन के तौर पे काम आ रही है, तो साधन के तौर पे जहां पे से का प्रयोग होता है वहां पे करण कारक होता है हमेशा, ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से इन निम्न शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो देखिए किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति के गुण को अगर जो बोध कराता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है वो, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्राचीन तो गुण है, अच्छा भी है, सुगंधित भी है, अनेक जो है भैया ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, ऑप्शन बी। किसी ने कहा, वाक्य में प्रयुक्त तो सर्वनाम शब्द किसी है, तो किसी ने कहा, किसने कहा, मुझे थोड़ी पता है किसने कहा, आपको पता है? आपको भी पता नहीं है, तो जब भी किसी, कोई, कुछ, जिन शब्दों से बोध ही नहीं होता भाई क्या चल रहा है, तो ये कहलाते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो यहां पर अनिश्चितता का बोध हो जाए। इनमें से कौन सा एक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो देखिए क्रिया विशेषण जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बहुत से इसके भी प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के। कालवाचक में दोस्तों जो काल को डिफाइन कर रहा है यानी कि एक टाइम पीरियड को, तो यहां पर कभी कभी जो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। वह जटा से साधु लगता है, यानी कि जो उसकी जटाएं हैं उन जटाओं से वो साधु प्रतीत होता है, तो यहां पर जो से है ये सबसे पहले तो आप जान लो, वह जटा से साधु लगता है, तो यहां पर देखिए रंग रूप दशा आदि का जब हम तुलना करते हैं ना, तो वहां पर होता है अपादान कारक, जैसे मैंने आपको बोला कि
मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि राम श्याम से भारी है या सीता गीता से मोटी है, तो वहां पर तुलनात्मक बोध हो रहा है। तो यहां पर आपका हमेशा हो जाएगा कौन सा कारक, अपादान कारक, ठीक है। और ऊपर हमने देखा साधन के तौर में, जब साधन के तौर पे हम जब देखते हैं किसी भी शेय को, तो वो हो जाता है आपका करण कारक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे उपाध्याय तो है, सर्ग भी तत्सम है, वानर भी तत्सम है, तलवार जो है ये तत्सम नहीं है, ठीक है। तलवार, तलवार का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है तलवारी, ठीक है। तलवार का तत्सम क्या हो जाता है, तलवारी। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बड़ा कठिन दिया है भाई ये तो, अगर ध्यान से देखा देखिए तद्भव कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में। इनमें से तद्भव, फुल्ल तो जो है तत्सम है, पीपल भी तत्सम है, ठीक है, परिश्रम भी यहां पे तत्सम हो जाएगा। तो सितार बचा, सितार, हाँ सितार, ठीक है, सितार जो है आपका तद्भव शब्द होगा दोस्तों। सितार का जो तत्सम होता है ना, वो होता है सितार, मतलब जिसमें सप्त तार होते हैं, सप्त तार, सात तार ना, सप्त तार इसका तत्सम हो जाएगा, तो फिर सितार जो है तद्भव हो जाएगा इसमें, ठीक है। वह विद्यार्थी जो गुरु के पास ही निवास करता हो, ऐसे विद्यार्थी को कहते हैं अंतेवासी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर से रिपीट किया है यूकेपीसीएस ने, अंतेवासी, ठीक है। ऐसा विद्यार्थी जो गुरु के समीप ही निवास करता हो या गुरु के पास ही रहता हो, अंतेवासी कहलाता है। इनमें से अनुस्वार का चिन्ह क्या है, तो अनुस्वार का चिन्ह दिए गए विकल्पों में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होता है दोस्तों, बिंदु जो होता है ना, ऐसे बिंदु लगाते हैं हम, जैसे कि मैं लिखूं अंक, लिखूं देखिए अंक, तो अंक के ऊपर जो ये बिंदु लगा रहा हूं ये अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, तो ऑप्शन ए सही है। सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक कौन थे, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया देखिए भैया। तो सरस्वती पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये, और इसके जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका के कौन थे संपादक दूसरे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि इसके पहले संपादक कौन थे, तो प्रथम संपादक थे इसके बाबू श्याम सुंदर दास। कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो रहे दोस्तों 1903 में इसके संपादक नियुक्त हुए और 1920 तक इन्होंने काम किया इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, इनमें से आवर्ती वाचक विशेषण कौन सा है, तो आवर्ती का बोध जिसमें होता है विशेषण के प्रकार में, वो होता है देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हमारा आवर्ती वाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अवधि हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, तो अवधि भाषा जो आती है ये पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्वी हिंदी। विपरीतार्थी पुनरुक्ति वाले शब्दों में अव्यय शब्द कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको विलोम शब्दों का युग्म दिया गया, जैसे कि हानि लाभ नया पुराना इधर उधर जागना सोना। अब इस विलोम युग्म में भी आपने ये बताना कि कौन से शब्दों का जोड़ा अव्यय शब्द है, जिन पे लिंग वचन काल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी इधर उधर। इधर उधर शब्द दोस्तों हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपका अव्यय शब्दों का यहाँ पर विलोम शब्द युग्म है। बाकी हानि लाभ देखिए, लाभ का वो चेंज हो सकता है, नया का नए हो सकता है, पुराना का पुरानी हो सकता है, जागना का जागने हो सकता है, और सोना का सोने हो सकता है, ठीक है, बट ये सेम रहता है। तो अव्यय शब्द वही होता है जिन पर लिंग वचन और काल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। वह बहुत अधिक खाता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण मैंने आपको बताया विशेषण की भी विशेषता जो बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो इसमें देखिए वह जो हो गया सर्वनाम हो गया, अधिक जो हो गया विशेषण हो गया, खाना जो है क्रिया हो गई, अधिक जो है विशेषण है, और इसकी विशेषता भी कौन सा शब्द बता रहा है, बहुत शब्द। क्या कर रहा है वो, बहुत खाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बार बार दिया था कि विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, बोला था ना मैंने जब भी आपको एग्जाम्पल दिए मैंने इसके, तो विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, तो अच्छा तो विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द उसको और ज्यादा क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। तो विशेषण की भी विशेषता जो बताता है वो कहलाता है आपका प्रविशेषण। इनमें से वीर रस के कवि कौन है, तो ये साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी लोग जानते हैं भैया वीर रस के जो प्रख्यात कवि हैं दिए गए विकल्पों में, भूषण हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ये कविता तो देखिए मुझे जब मैं छोटी क्लासरूम में पढ़ता था तब भी मुझे याद थी, तो बहुत मजेदार ये कविता थी, ठीक है। और इसके राइटर जो थे वो बताना है आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा ठीक, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये लिखा है, ठीक है। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी वाली, और ये जो कविता है, हम आपसे कहानी बोला, कविता जो है ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था
ठीक है, आपको पता है जो रानी लक्ष्मी बाई थी उनका पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र गोद लिया था, उस समय जो डलहौजी की हड़प नीति चल रही थी उसी का ये शिकार होती है। तो उसी संघर्ष में दोस्तों ये पूरी कविता लिखी गई थी। अभी भी मुझे कविता थोड़ा थोड़ा याद है। सिंहासन हिले उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता वीर रस की कविता थी दोस्तों। इसको जब स्कूल टाइम पे भी पढ़ते थे ना तो एक अलग ही जोश आता था और बड़ा अच्छा लगता था। लक्ष्मी बाई के प्रति जो उसमें एक समर्पण का भाव था दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गहरा हो जाता था इस कविता को पढ़ के। अनेकार्थी शब्द अक्षर का अर्थ इनमें से नहीं है। तो जो अक्षर शब्द है, अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकले या एक से अधिक अर्थ निकले। तो अक्षर का अर्थ इनमें से जो नहीं है वो बताना है आपने। तो देखा जाए ध्यान से तो देखिए अक्षर का अर्थ वांग भी होता है, ठीक है, अक्षर मतलब वांग भी तो होता है ना, अक्षर का मतलब धर्म भी होता है, अक्षर का मतलब मोक्ष भी होता है, किला जो होगा ये इसका अर्थ नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो ध्यान से देखो तीनों उपसर्ग नहीं है भैया, गैर जो है भैया देखिए आपका, तो गैर जो है यहाँ पे आपका उर्दू उपसर्ग है, साफ पता चल रहा है ना, गैर जैसे गैर जमानती बोलते हैं, ठीक है, और बहुत से शब्द आते हैं अभी मेरे को याद नहीं आ रहे, ठीक है, तो जितने भी शब्द है गैर जुड़े हुए वो सभी उर्दू के उपसर्ग के रिलेटेड वर्ड होते हैं, गैर जिम्मेदार बोलते हैं। जैसे जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए ऐसा विकारी शब्द जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, व्याप्ति मतलब प्रसार, तो ऐसा शब्द कहलाता है विशेषण, ठीक है, तो संज्ञा के जो सीमित है, जो संज्ञा का दायरा है उसको क्या करे, मर्यादित करे, वो विशेषण कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विशेषण। अगला क्वेश्चन है देखिए, महत रानी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूं इसको, महत रानी, ठीक है, तो महत रानी में प्रत्यय जो हो जाएगा 54 का होना चाहिए, महत महतर धनानी, महतर धनानी, महतर आनी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, आनी उपसर्ग हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, देखिए शिव का पर्यायवाची, तो शिव का पर्यायवाची इनमें से अगर ध्यान से देखते हैं तो भैया भव भी होता है शिव का, चंद्रशेखर भी होता है, चंद्रमा को धारण किया उन्होंने, त्रिलोचन तो होता है, तीन आंखें हैं शिव जी की, अंशुमाली जो है ये नहीं होगा, ठीक है, अंशुमाली जो पर्यायवाची होता है सूर्य का होता है ना कि शिव का, तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका उत्तर, ऑप्शन डी 55 का। अनुपम का अर्थ क्या होता है? तो अनुपम का अर्थ होता है भैया जो मतलब अनुपम का मत अर्थ अर्थ होता है जिसकी कोई भी जिसको टाइटल ना दे सके, उपमान दी जा सके, ऐसा बिल्कुल ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी। इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए नहीं है पूछ रहा पक्षी का, तो ध्यान से अगर देखें ऑप्शनों को तो पक्षी का भाई द्विज भी होता है, शकुनी भी होता है, कलत्र भी होता है दोस्तों, ठीक है, तो पक्षी का पर्यायवाची इनमें से जो, माफ कीजिएगा, कलत्र नहीं होगा, शकुन तो होता है, कलत्र नहीं होगा, इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। कलत्र जो शब्द होता है ना ये नारी स्त्री महिला का पर्यायवाची होता है, ठीक है, नारी का, नारी का पर्यायवाची है, द्विज शकुनी और शकुंत तो पर्यायवाची है पक्षी का, कलत्र जो है नारी का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ेंगे, छिछला का विलोम शब्द क्या होता है? छिछला या उथला बोलते हैं ना, छिछला का मतलब होता है कम गहरा, ठीक है, कम गहराई हो जिसकी, तो इसका विलोम हो जाता है गहरा, ऑप्शन बी हो जाएगा, छिछला का विलोम गहरा होता है, ठीक है, उथला नहीं कर देना है आपने, ध्यान रखना एग्जाम में, छिछला का गहरा। उदयाचल का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदयांचल अगर बोल रहे तो इसका अस्तांचल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 59। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? तो देखिए कृष्ण गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, कवितावली हो गई, ये सभी रचनाएं हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है देखिए, जब मैं छोटा लड़का था तब खूब साइकिल चलाता था, माफ कीजिएगा, जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था, तो देखिए जहां पर भी एक वाक्य हो आश्रित उपवाक्य हो, और यहां पर देखिए आप ध्यान से देख रहे, जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था, तो ध्यान से देखने में प्रतीत होता है कि ये वाक्य है आपका मिश्र वाक्य, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए सूक्ष्म बिल्कुल छोटा, और सूक्ष्म का जो विलोम हो जाता है दिए गए ऑप्शन में स्थूल हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, तुम यहां से जाओ अर्थ की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और उनमें से एक होता है दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको तुम यहां से जाओ, यानी कि मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है। तो ऑर्डर यानी कि आज्ञावाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए इसमें थोड़ा भैया कंफ्यूजन है बहुत से लोगों को। वासुदेव में देखिए वसुदेव होता है, और वसुदेव में जब आ प्रत्यय लगता है, अ प्रत्यय लगता है, तो ये वासुदेव हो जाता है, यानी कि इसमें वांग प्रत्यय लगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है सी, फिर भी एक बार आप लोग इसको चेक जरूर कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मैं सायंकाल घूमने जाता हूं, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूं। तो देखिए सायंकाल जो है खुद ही एक हिसाब से काल का बोध करा रहा है, काल मतलब समय का बोध, सायं मतलब इवनिंग, ठीक है, सायं का मतलब क्या हो जाएगा इवनिंग, और काल का मतलब समय। तो ये क्या बोल रहा है देखिए, मैं शाम के समय घूमने जाता हूँ, पहले ही वाक्य में क्लियर है मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, तो अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, वर्तनी की दृष्टि से भी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो हो जाएगा अतिथि होता है, ठीक है, अ तो में छोटी की मात्रा, थौ में भी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगी दिए गए विकल्पों में, देखिए कुमुदनी नहीं होगा, कुमुदिनी होता है, ये गलत हो जाएगा, दो में एक ही मात्रा होती है। संशोधन में दोस्तों सौ अलग होता है, ठीक है, ये आपका संशोधन जो होता है शुद्ध रूप ऐसा होता है संशोधन, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी भी गलत है। नवम जो है ये भी गलत है, नवम जो होता है इसमें हलंत नहीं होता, पूरा नवम होता है। परिषद जो है बिल्कुल सही है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, परिषद, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। चलिए अगला फिर से वाक्य शुद्धि वाला क्वेश्चन है, इनमें से बताना है आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ध्यान से देखते हैं दोस्तों, सारे देश भर में, सारे देश भर यहीं पे गलत हो गया, ये पूरे देश भर में गलत हो गया, समस्त देश भर में गलत हो गया। देश भर का मतलब जो है देश धन भर, ठीक है, देश धन भर यानी कि पूरे देश की बात की जा रही है यहाँ पे, तो देश भर में यानी कि संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, तो बी ऑप्शन सही है। इनमें से एक शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो फिर से वही वाक्य शुद्धि वाला दिया गया है, तो ध्यान से देखो, मैंने कह दिया कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, नौकर आटा पिसवाने गया है, अंतिम निष्कर्ष क्या है? ठीक है, अंतिम निष्कर्ष क्या है? अनेक का मत है, अनेक का मत तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पहले, ठीक है। तो और ऑप्शन बी देखते, तो नौकर आटा पिसवाने गया, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नौकर आटा तो पिसवाया नहीं जाता, गेहूं पिसवाने जाएगा ना, आटा आटा थोड़ी पिसवाएगा, तो गेहूं पिसवाने की बात होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है इसमें, बी भी, ठीक है। तो बचा कौन सा भैया? ऑप्शन सी। और पहला वाला जो है, मैंने कह दिया कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, मैंने कहा कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, मैंने कहा कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल शुद्ध, अंतिम निष्कर्ष क्या है, ठीक है, अंतिम निष्कर्ष क्या है, तो ये शुद्ध हो गए। तो अगला देखिए, इनमें से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? फिर से वही बताना है आपने, वाक्य शुद्ध कौन सा हो जाएगा दिए गए विकल्पों में। तो पहला ऑप्शन है देखिए, सीता हंसती हंसती रो पड़ी, रावण अत्यंत दुष्ट था, अत्यंत ही नहीं होगा, रावण अत्यंत होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और इसके बाद देखते हैं, तुम सबसे सुंदरतम हो, सुंदरतम, तुम सबसे सुंदरतम हो, ठीक है, ये भी गलत लग रहा है मुझे। वे परस्पर बातें करते जा रहे थे, वे परस्पर बातें कर रहे थे होगा इसमें, ठीक है, ये भी गलत है, रावण अत्यंत वाला भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे हिसाब से इसमें, सीता हंसती हंसती रो पड़ी, ठीक है, सीता हंसते हंसते रो पड़ी, तुम सबसे सुंदरतम, थोड़ा इसमें भी डाउट ही लग रहा है मेरे को, सीता हंसते हंसते रो पड़ी, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, हाँ सबसे तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है, तुम सुंदरतम हो यानी कि सबसे सुंदर आ जाएगा अपने आप ही। हाँ सी भी गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें, सीता हंसते हंसते रो पड़ी बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल शुद्ध जो है देखिए, मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सबसे शुद्ध होता है इसमें मुहूर्त, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, छोटी ई इसमें बड़ी ऊ की, छोटे ऊ बड़ा ऊ फिर तो की मात्रा, मुहूर्त। गुलर का फूल होने का अर्थ क्या होता है? तो गुलर का फूल मतलब बहुत ही दुर्लभ वस्तु होना, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। घी के दिए जलाना, भैया देखिए जब भी कोई खुशी की न्यूज मिलती है तो घी के दिए जलाते हैं लोग, तो बहुत ही प्रसन्न होना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, घी के दिए। जिस दिन आपका एग्जाम निकलेगा उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब का, तो आप भी घी के दिए जलाएंगे, यानी कि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है देखिए, लोकोक्ति को पूरा करना है,
ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है, ये है इसका पूरा लोकोक्ति का सार। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्या बात। आयोग ने इस बार नूरा भी दे दिया, देखिए आयोग के लोग भी कितने अपडेटेड हैं आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट, उन्होंने नूरा फतेही का नाम भी दिया इस बार, ठीक है। सीता सीता राधा बहुत हो गया, आप नूरा और अन्य जो भी आजकल के जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं उनके नाम दे रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया। इनमें से लोकोक्ति को फिर पूरा करना आपने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये तो बचपन से हम सुने आ रहे हैं, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला देखिए, इनमें से देशज शब्द कौन हो जाएगा, देशज मतलब देश में ही उत्पन्न शब्द, तो ध्यान से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो पगड़ी जो है ये देशज शब्द है, ठीक है, देश में ही उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, लोटा, ठीक है, ये सभी हमारे ठेठ वगैरह देशज शब्द हैं। इनमें से कौन सा एक बेमेल शब्द है बताइए, तो चार ऑप्शन में से एक बेमेल है, आत्म श्लाघा, आत्म प्रशंसा, एक ही बात है आत्म मुग्धता, यानी कि तीनों ही ऑप्शन, ऑप्शन ए बी और सी, ये सभी क्या कर रहे हैं, स्वयं को प्रशंसित या स्वयं को मुग्ध कर रहे हैं, आत्मघात जो है वो दोस्तों ये अलग हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अकूत का तात्पर्य क्या होता है, देखिए अकूत बोलते हैं ना यार, उसके पास तो अकूत दौलत है, उसके पास तो अकूत संपत्ति है, अकूत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसका दायरा ही ना हो, अपरिमित, ठीक है, बहुत ज्यादा, ऑप्शन डी, तो अकूत का मतलब होता है अपरिमित। मध्य रात्रि का समय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो मध्य रात्रि का जो समय होता है मिडनाइट जिसको बोलते हैं, मिडनाइट को बोला जाता है निशीथ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मध्य रात्रि, ऑप्शन सी हो जाएगा निशीथ। गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए, इसका सटीक अर्थ क्या है, तो गधे ने खेत चल लिया और गधे का जो जुलाहा है उसने मार खाई, यानी कि कोई कर्म कोई और करे उसका फल कोई और भोगे, ठीक है, यानी कि किसी के अपराध का दंड किसी अन्य को मिलना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इनमें से घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो घोटक, घोटक जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका घोड़े का, ठीक है, अश्व का, ऑप्शन ही हो जाएगा अश्व। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान से अगर देखें दोस्तों, तो सूर्य का पर्यायवाची इनमें से देखिए पतंग होता है, हंस होता है, मित्र होता है, तो द्विजराज जो है, द्विजराज श्रेष्ठ को भी बोला जाता है द्विजराज, ठीक है, तो ये आपका पतंग सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन है। इनमें से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है देखिए फूल का, सुमन होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है, ये सभी फूल के पर्यायवाची है, विटप जो है ये पेड़ का पर्यायवाची होता है, पौधे का, ठीक है, तो विटप नहीं होगा, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची ध्यान से अगर देखते हैं दोस्तों, धूमकेतु होता है, जातवेद होता है, वैश्वानर होता है, ठीक है, और ताम्रस जो है ये नहीं होता है अग्नि का, ताम्रस सोने का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ये। अगला देखिए, आसक्त का विलोम क्या होता है, तो आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आसक्त कई बार पूछा गया पूर्व परीक्षाओं में भी, इसका विलोम होता है अनासक्त या विरक्त, ठीक है, अब अनासक्त तो है नहीं ऑप्शन में, तो विरक्त इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आर्वाचीन का विलोम क्या होता है, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है पूर्व एग्जामों में, तो आर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, ऑप्शन बी। वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए ऐसी नायिका जिसका पति परदेश गया हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों प्रोसित पति का, ठीक है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, प्रोसित पति का, ठीक है, यानी कि नायिका का जो पति है परदेश गया किसी काम के लिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रोसित पति का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो देखिए अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी भी क्वेश्चन बनाता है इससे, तो काली घटा यानी कि घटा मतलब बादल, घमंड घटा यानी कि कम हो गया, यानी कि काले बादलों का जो घमंड था दोस्तों वो कम हो गया, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द हो प्रयोग और अलग अलग अर्थ निकले तो वो हो जाता है यमक अलंकार, ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि कनक कनकते सौ गुनी, कई बार हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अब इसमें राष्ट्रीय भी नहीं दिया है और विश्व भी नहीं दिया है, ठीक है, तो अब विश्व हिंदी दिवस की डेट तो है नहीं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस ही होगा ये, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो देखिए पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट एक काव्य है, महाकाव्य है एक हिसाब से, और इसमें चंद्रबरदाई जी ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई, वीर रस से ओतप्रोत है ये। निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर से नहीं है पूछ रहा कमल का, तो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया, राजीव होता है कमल का, सरसीज भी होता है, अरविंद भी होता है, राजराज जो है ये पर्यायवाची नहीं है, राजराज पर्यायवाची होता है आपका धन के देवता कुबेर का, ठीक है, धन के जो देवता होते हैं ना कुबेर, उनका पर्यायवाची है राजराज। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गोबर गणेश का मतलब होता है महामूर्ख होना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मूर्ख होना।
तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, तिल का ताड़ बनाना यानी कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल देना, बहुत बड़ी बना देना छोटी सी बात को, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन ए, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। रचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य होगा? देखिए, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, दो तो वाक्य दिख रहे हैं और बीच में हमको समुच्चय बोधक शब्द दिख रहा है, तो समुच्चय बोधक शब्द जहां पर भी वाक्य में दिखेगा वो संयुक्त तो वाक्य होता है। ऑप्शन बी, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी होना चाहिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे दिया है क्वेश्चन, थोड़ा टफ भी है क्वेश्चन भाई, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा इनमें से। देखिए, ठीक है, अभावता, अभाव होना चाहिए, गलत हो जाएगा, लावण्यता गलत है, लावण्य होना चाहिए, आरोग्यता, ठीक है, आरोग्यता परम सिद्धि है, ये सही हो जाएगा भाई सी। आलसता नहीं होगा, आलसता नहीं होगा, आलसता होगा इसमें, ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, आरोग्यता। चलिए आगे बढ़ेंगे, इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य बताना दिए गए विकल्पों में, तो ध्यान से देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ऑप्शन ए सही है इसमें, बाकी सभी गलत है, ऑप्शन ए सही है इसमें केवल। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल, देखिए बार बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी सही है इसमें, उज्ज्वल में दोनों ज जो होते हैं आधे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल ये होता है शुद्ध उज्ज्वल। राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? देखिए राष्ट्र, अब मैं करके दिखाता हूं आपको राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी, तो राष्ट्र में सबसे पहले आएगा भैया, ठीक है, आधा रहा आएगा, फिर उसके बाद रा, आ की मात्रा है उसमें, आता है आधा ट हो जाएगा, टॉ में टॉ की मात्रा देते तो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद राष्ट्र, कोई भी व्यंजन स्वर के भी मतलब के बिना नहीं करता तो लास्ट में तो आएगा, तो आधा रहा फिर आ फिर सौ फिर टॉ फिर रॉ फिर, ये हम देखते हैं ध्यान से, तो मिलेगा ऑप्शन ए में, ये तो ऑप्शन ही सही होता है इसका। घबराहट संज्ञा इनमें से किससे बनी है? तो घबराना, ठीक है, घबराना क्या है, एक क्रिया है ना, घबराने की क्रिया होती है, तो क्रिया से संज्ञा बनी है घबराहट, यानी कि ऑप्शन टू देना क्रिया से बनी है, ठीक है, घबराहट संज्ञा जो बनी है क्रिया से बनी है। हवा से बातें करना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? तो देखिए, हवा से बातें करना जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बोलते हैं ना, राणा प्रताप का खोगा था, पड़ गया हवा से पागल, चेतक राणा प्रताप का खोगा था वो हवा से पागल, पड़ा है ना बचपन में अपनी कविताओं, बहुत तेज दौड़ता था चेतन, तो वो हवा से बातें कर सकता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, बहुत तेज दौड़ता, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी, सहायक अभियंता, जो कि अभी लास्ट वीक ही पेपर हुआ था 14-15 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त को आई थिंक हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया हिंदी वाले का, जीएस वाले पेपर का सॉल्यूशन मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, क्लासेस आपको कंटिन्यू दी जा रही है दोस्तों, बंदी रक्षक वाले भाई अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काफी कम दिन रह गए, कम से कम 4-5 घंटे अपनी स्टडी को दें और खासकर रिवीजन को दें आप, क्योंकि नए नोट्स बना के कोई फायदा है नहीं, जितना भी नोट्स है आपके पास या जो भी आप एग्जाम के लिए सीधे तैयार होना चाह रहे हैं, तो वो लोग केवल रिविजन पे फोकस करें, ठीक है, कोई भी नई चीज ना पढ़े, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस का आप रिविजन मारे, साथ ही 10 नंबर का भाई रीजनिंग का पोर्शन भी बनेगा, तो उसके लिए भी मेहनत करते रहे, क्योंकि उससे भी मेरिट बहुत वेरी होते हैं, कुछ लोग रीजनिंग को छोड़ देते हैं कठिन मान के, लेकिन रीजनिंग कठिन है नहीं, रीजनिंग को अगर आप इंटरेस्ट लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आसान भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट क्वेरीज हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो दोस्तों, और किसी भी क्वेश्चन में इस सेशन में आपको लगता है किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, ताकि उसको मैं पिन कर दूं सही करके, ठीक है, तो आप लोग जरूर अपना फीडबैक देना। बाकी वीडियो के अंत में फिर से एक बार आपसे बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, मेहनत करिए, खुद पे विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास पर दुनिया को जीता जा सकता है, ये तो महज एक एग्जाम है, तो अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम मत करना दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा पूरक होता है आपका आत्मविश्वास, अगर वो आपका बहुत हाई लेवल का है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, परीक्षा हॉल में जाके पेपर देना महज एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, जब आत्मविश्वास से आप लबरेज होते हैं। इसी आशा के साथ मिलूंगा कल आपको मैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।